फ्री कंसल्टेशन है, फ्री डिस्कशन है, आपके ऊपर है फाइनल कॉल, आपको कैसा चाहिए, आपको चाहिए खुद से अप्लाई करते हो। देखो, खुद से अप्लाई करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता ही दिया है। आबिद गिल जी का यूके वीजा अप्रूव होके आ चुका है, टूरिस्ट वीजा। आबिद गिल जी का आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, और इनका टूरिस्ट वीजा आज अप्रूव होके आ चुका है, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है आज के वीडियो में। बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, बस आपको क्या करना है, एज यूजुअल वीडियो को पूरा देखना है। क्यों पूरा देखना है? क्योंकि आज के वीडियो में हो सकता है आबिद जी की जो स्टोरी है यूके के टूरिस्ट वीजा के अप्रूव होने की, हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसी हो, आपकी भी मिलती जुलती हो। क्या आपको भी टूरिस्ट वीजा लगाना है यूके का? काफी टाइम से आप सोच रहे हो यार क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और उसके बाद में कितने दिनों में आपको यूके का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। ये सारे सवाल आपके माइंड में होते हैं जब आप एक टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करने जाते हो। और यूके के टूरिस्ट वीजा में कॉमन चीज जो देखी जाती है ना, वही देखी जाती है, काफी सारे लोग खुद से ट्राई करते हैं। खुद से ट्राई करते हैं तो होता क्या है, 90% लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफी बारीकी से हर एक चीज को देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन का ऑफिसर देखता है ना, तो वो हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। हर एक छोटी से छोटी चीज जो आप फिलअप करते हो फॉर्म में, हर एक चीज देखी जाती है। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं हम कर देंगे, बहुत ईजी है, तो ऐसा नहीं होता है। वी एज अकीरा टूरिज्म 12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं इस इंडस्ट्री में, एंड हमारी कंपनी को भले 3 साल हुए, बट मी एज अ पर्सन अगर आप बात करो तो मुझे 12 इयर्स एंड अबव एक्सपीरियंस है टूरिज्म इंडस्ट्री का, एंड स्पेशली वीजा का। तो आज के वीडियो में काफी एक्साइटिंग आपको चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, तो बस बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोज ऑफर्स आपका भाई आपके लिए लेके आता रहता है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है, कि जब आप एप्लीकेशन, अपना वीजा, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देते हो, तो कितने टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका वीजा आ जाएगा। देखो, इसमें ना 3 ऑप्शन आते हैं। यूजुअली आप देखो, जो बेसिक वीजा होता है, जो 6 मंथ्स का वीजा होता है, उसमें आपके 20 से 25 दिन लग जाते हैं वीजा को अप्रूव होके आने में। 20 से 25 दिन वर्किंग डेज में बोल रहा हूँ, इतने दिन लगते ही आप मान के चलिए, भले 15 दिन मेंशन होता है, बट 20 से 25 दिन आपके लग जाते हैं जो बेसिक होता है यूके का 6 मंथ वीजा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार मेरा वीजा फटाफट से अप्रूव होके आ जाए, क्विक रिजल्ट मिल जाए, तो उसके लिए 2 अलग से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आता है यूके वीजा प्रायोरिटी, और सेकंड ऑप्शन होता है यूके वीजा सुपर प्रायोरिटी। तो यूके वीजा प्रायोरिटी में क्या होता है, यूके वीजा प्रायोरिटी में आपको 5 से 6 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, क्या आपका वीजा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, 5 से 6 दिन के अंदर आपको पता पड़ जाएगा। और सुपर प्रायोरिटी में 2 से 3 दिन, ठीक है। अब इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, अलग होती है, वो कितनी होती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बस बने रहिए, देखते रहिए। तो 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, जो नॉर्मल होता है, मैंने आपको बताया 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। सेकंड आपका 5 to 6 डेज लगते हैं वर्किंग डेज। तीसरा जो सुपर प्रायोरिटी होता है, आपको अर्जेंटली चाहिए, आपको 3 दिन में वीजा चाहिए, आपको नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, वो है सुपर प्रायोरिटी। 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आप 90 डेज स्टे कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप यूएई रेसिडेंट हो, दुबई में रहते हो, अबू धाबी रहते हो, शारजा रहते हो, रासल खेमा रहते हो, कहीं भी आप यूएई में रहते हो और आपको यूके का विजिट वीजा लगाना है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आपको ये जानना है आप इंडिया में रहते हो तो यूके का वीजा कैसे अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट है टूरिज्म की, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप कनाडा रहते हो, यूएस रहते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर जर्मनी, फ्रांस, शेंजन में कहीं भी रहते हो और आपको यूके का टूरिस्ट वीजा लगाना है, आपको प्रोसेस पता करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उसके ऊपर स्टडी करें और आपके लिए वो कंटेंट लेके आ सके, आपके लिए वो हम वीडियो बना सके और आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, वैल्यू दे सके, कि कैसे आप अपना वीजा लगा सकते हो यूके का इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप यूएई रेसिडेंट हो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, इमिरेट्स आईडी कॉपी, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका एनओसी फ्रॉम द कंपनी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एनओसी का फॉर्मेट हम आपको दे देंगे कि एनओसी में क्या लिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपका बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब नहीं कर रहे हो तो बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस कॉपी और आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर का फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर एक चीज के लिए हम आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी।
वरी एट ऑल। हम बाकी एजेंटों की तरह नहीं है मेरे दोस्त, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, आप हमारे गूगल रिव्यूज चेक कर लीजिए। हम आपको प्रॉपर डिटेल्ड कंसल्टेशन देते हैं, फ्री कंसल्टेशन है। वीजा लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, ठीक है। हम अपना छोटा सा सर्विस चार्ज रख के आपको वीजा लगा के देते हैं और वो सर्विस चार्ज के लिए हम मेहनत बहुत करते हैं। देखो ये होता है, कंसल्टेशन तो फ्री है ना, नीचे नंबर दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस है, सब कुछ दिया हुआ है। आप ऑफिस आके हमसे कंसल्ट कर सकते हो, कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन का हम चार्ज तो आपसे कुछ कर नहीं रहे, बाकी एजेंटों की तरह नहीं है कि हर एक चीज़ का पैसा, नहीं, कंसल्टेशन इज टोटली फ्री। आपको अगर लगता है वो आपका डिसीजन है, आपके ऊपर होता है वो कि हाँ नाउ यू आर सेटिस्फाइड, आप अप्लाई कीजिए। आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हो तो आप अप्लाई मत कीजिए, वो टोटली आपका डिसीजन है, यू आर फ्री टू चॉइस। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं यूके के टूरिस्ट वीजा में। अगर डॉक्यूमेंट की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ मेरे दोस्त, कि यूके के टूरिस्ट वीजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को आप हल्के में मत लीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं होता है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं। बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जैसे अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी आ रही है, आपके कुछ खर्चे होते हैं, राइट, मंथली एक्सपेंस होता है, रेंट होता है, गाड़ी है, खर्चे हैं, वो खर्चे काट पीट के जो बचती है आपकी सैलरी, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर दूसरे महीने की सैलरी आई, फिर वो खर्चे कट गए, तो आपके जो अकाउंट में है ना, अननेसेसरी डिपॉजिट नहीं होने चाहिए, कहीं और से पैसा नहीं आना चाहिए। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी ही आनी चाहिए आपके अकाउंट में, और अगर मान लो कोई ऐसा डिपॉजिट आया है तो फिर उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई आपके अकाउंट में अगर फॉर एग्जाम्पल 200 दिरहम आए तो 200 दिरहम कहाँ से आए, क्या आपके दोस्त ने दिए, कहाँ से आए, उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है, वो जस्टिफिकेशन लेटर बनता है। उसके बाद में जो खर्चे आप कर रहे होते हो, मतलब इट शुड बी प्रॉपरली अलाइन्ड। आपका स्टेटमेंट होता है ना, अगर आपका स्टेटमेंट इज परफेक्ट, आपके अकाउंट में बैलेंस है, यूके का टूरिस्ट वीजा 99% समझ लो आपका अप्रूव हो जाएगा। काफी एजेंट बोलते हैं टूरिस्ट वीजा लगाने से पहले शेंजन वीजा लगाना पड़ेगा, कनाडा होना चाहिए आपके पास, यूएस होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। मानता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि पूरी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर आपका डिसीजन होता है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री के बिहाफ पे डिसीजन लेना ही होता है तो वो यूके में नहीं, तो वो आपका कनाडा, शेंजन, इन कंट्रीज में ट्रैवल हिस्ट्री को ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखो हर एक कंट्री का खुद का एक रूल होता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं समझते हो तो हम बैठे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा प्रोसेस, सारी चीजें, सारी हेडक हम देख लेंगे, सिर्फ आपको हमको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर डिटेल चाहिए, तो नंबर दिया हुआ है, एनी टाइम कम टू आवर ऑफिस, डिस्कस करिए, फ्री कंसल्टेशन है, उसके बाद आपके ऊपर है। तो अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है, एक होता है प्रायोरिटी, एक होता है सुपर प्रायोरिटी, तो तीनों की प्राइसिंग थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो कि 6 महीने का वीजा आपको मिलता है वो आप हमसे लगाते हो तो आपको पड़ेगा 1200 दिरहम हम चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी एम्बेसी फीस, डॉक्यूमेंटेशन, कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट, होटल, डमी, इंश्योरेंस, सब कुछ हम आपको करके देंगे, इंक्लूडिंग ओवर सरचार्ज। 1200 इज ओवर फीस, जिसमें काफी कुछ वैल्यू हम आपको देते हैं, आपकी फाइल बनाते हैं, आपका केस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं। और जैसा कि ये आबिद भाई का वीजा आया, ठीक है, वैसे ही ट्राई करते हैं हमसे जो भी वीजा लगा रहे हैं हमारे साथ डेली बेसिस पे। अगर आपको चेक करना है कौन कौन से वीजाज हमारे डेली बेसिस पे आ रहे हैं तो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपको पीछे दिख रही है यहाँ पे जाइए, हाईलाइट सेक्शन पे जाइए, रिव्यू कीजिए डेली बेसिस पे कितने वीजाज हमारे अप्रूव होते हैं, आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो 1200 वी चार्ज फॉर नॉर्मल अपॉइंटमेंट। तो अगर आपको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसका हम चार्ज करते हैं 4500, जिसमें एज यूजुअल सारी चीज़ें इंक्लूड है, आपकी एम्बेसी फीस इंक्लूड है, प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट फीस इंक्लूड है, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड है, आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, और आपको विद इन 5 to 6 working days में वीजा आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सुपर प्रायोरिटी। सुपर प्रायोरिटी का प्राइस ज्यादा होता है, वो होता है 6200 दिरहम, जिसमें 2 to 3 दिन में आपको पता पड़ जाएगा आपके वीजे का रिजल्ट क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और सब चीजें एज यूजल एज इट इज होती है, उसमें कोई चेंजेस
नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी प्राइसिंग फॉर यूके विजिट वीजा। अगर आप दुबई में हो या फिर यूएई में कहीं से बिलोंग करते हो, ऑफिस आ सकते हो। ऑफिस है हमारा जैनल मोहेबी प्लाजा 101 बुर्जुमान के एकदम अपोजिट में। फ्री कंसल्टेशन है, फ्री डिस्कशन है, आपके ऊपर है। फाइनल कॉल आपको कैसा चाहिए, आपको चाहिए खुद से अप्लाई करते हो। देखो खुद से अप्लाई करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था वीडियो यूके के टूरिस्ट वीजा के ऊपर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो और आपको कौन कौन से वीजास के ऊपर जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि आपका भाई नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेके आ सके, आपकी डिमांड पे नेक्स्ट वीडियो बना सके और आपके लिए लेके आ सके। तो दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज काफी मेहनत लगती है, काफी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।